एक आदमी रोज जंगल में जाकर ढोल बजाया करता था। ठीक उसी समय कहीं से एक बछड़ा आकर वहां बैठ जाता था। एक दिन उस आदमी ने बछड़े से पूछा, मेरा राग अच्छा है या मेरा गाना जो तू रोज यहां आकर बैठ जाता है? तभी बछड़ा बोला, ये तो मैं नहीं जानता कि आपका राग और गाना कैसा है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि आपके ढोल में जो चमड़ा लगा है वह मेरी माँ का है। जब भी यह बजता है तो लगता है माँ पुकार रही है। ये सुनकर उस आदमी को बेहद दुख हुआ और वो रोने लगा। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक माँ की कमी पूरी नहीं होती। दोस्तों, दुनिया में इसी तरह जानवरों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हर बार जानवर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जो कि इंसानियत को शर्मसार करती है। क्या आपको नहीं लगता कि इसे रोका जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।